हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को एक नया पोर्टल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं और इस पोर्टल के मदद से आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड का जैसा डाउनलोड कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट पोर्टल है और इस पोर्टल के मदद से आप लोग अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड का जैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपना मोबाइल पर। आप लोग इजीली रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये पोर्टल अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये पोर्टल लॉन्च हुआ, तो मैं आज आप लोग को इसका बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा और कैसे ये हमें डाउनलोड करना है और कहाँ जाना है और वेबसाइट का नाम क्या है और क्या टाइपिंग करने से ये पोर्टल आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता है, क्या क्या आप लोग सर्विस ले सकते हो। तो देखिए गाइस, वो सारा कुछ डिटेल्स में मैं आप लोग को स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए गाइस, अभी मैं स्क्रीन पर आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस, वो साइट का नाम ये है, आप लोग यहाँ देख सकते हो eci.gov.in epic। तो ये इसका ऑफिशियल साइट है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ में जाके डायरेक्टली रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आ सकते हो। तो इसमें क्या क्या अभी कैसे करना है और कैसे डाउनलोड होता है और KYC कैसे करना है, ये सब कुछ मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे गाइस। और देखिए, यहाँ में आप लोग देख सकते हो ईपिक, ई मतदाता पहचान पत्र। तो ईपिक इज ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF वर्जन ऑफ द ईपिक विच कैन बी डाउनलोडेड ऑन मोबाइल और इन ए सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म ऑन द कंप्यूटर। तो आप लोग यह में देख सकते हो, ये मोबाइल पर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद ये खुद से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद ये कंप्यूटर में भी डाउनलोड करके आप लोग इजीली इसको प्रिंट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है यहाँ से डाउनलोड करने से। और आप लोग यहाँ में नीचे में देख सकते हो डाउनलोड ईपिक कार्ड। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके का देख सकते हो गाइस, यहाँ में इधर में राइट साइड में आप लोग यहाँ में देख सकते हो ईपिक। तो इस तरीके का डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड होता है। तो अभी ये देखिए गाइस कैसे डाउनलोड होता है, अभी सिंपली नीचे जाना है थोड़ा, और नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो हाउ ईपिक बेनिफिट सिटीजन। तो इसका बेनिफिट आप लोग यहाँ में खुद देख लीजिए क्या बेनिफिट, तो ये आप लोग यहाँ में पढ़ सकते हो, तो ये खुद पढ़िए आप लोग। और उसके बाद हु आर एलिजिबल फॉर ईपिक, तो कौन है एलिजिबल, तो ये डाउनलोड करने के लिए कौन एलिजिबल है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो फेस वन ओनली न्यू इलेक्टर्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द स्पेशली समरी रिवीजन 2021 एंड हैविंग यूनिक मोबाइल नंबर इन ईरोल। तो ये हमें बताया गया है ऑल जनरल इलेक्टर्स, तो जिसने 2021 के बाद वोटर कार्ड बनाया है उन लोग अभी सिंपली इसका फायदा उठा सकते हैं। तो 2021 के बाद जिसने भी वोटर कार्ड बनाया है वो लोग सिंपली यहाँ में डाउनलोड ईपिक कार्ड पर आके अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका वोटर कार्ड खो जाता है तो भी आप लोग यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो 2021 के बाद जिसका भी मोबाइल नंबर वोटर कार्ड के साथ लिंक हुआ है तो वो लोग सिंपली यहाँ में आके अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिटल वोटर कार्ड। उसके बाद थोड़ा नीचे आप लोग देख सकते हो हाउ टू डाउनलोड ईपिक, तो ये कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो यह में बताया गया है स्टेप टू डाउनलोड ईपिक। तो पहला नंबर में और दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर, तो ये चौथा नंबर के बाद ही आप लोग को इस तरीके का वोटर कार्ड मिलता है। तो आप लोग इस तरीके का वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टेप्स टू डाउनलोड ईपिक, रजिस्टर लॉग इन ऑन NVSP। तो यह में बताया गया है आपको रजिस्टर करना होगा और लॉग इन करना होगा NVSP पर। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप लोग देखिए गाइस सिंपली दूसरा नंबर पर आ सकते हो। और इसमें यहाँ में बताया गया सिटीजन कैन डाउनलोड ईपिक फॉर्म, तो यहाँ में इसका वेबसाइट भी देके
रखा है nbsp.in, तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट में जाके सिंपली रजिस्टर करना है, पहले रजिस्टर करना है nbsp.in पर जाके, और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद देखिए गाइस, दूसरा नंबर में क्या बताया है, ये हमें इंटर एपिक नंबर और फॉर्म रेफरेंस नंबर। तो आपका जो भी एपिक नंबर है और रेफरेंस नंबर है, तो वो सिंपली एपिक नंबर वोटर कार्ड में होता है इस तरीके का, देख सकते हो ये हमें, ये फोटो का ऊपर में आप लोग देख सकते हो HXX और EAX213 इस तरीके का एपिक नंबर होता है। तो ये एपिक नंबर सिंपली आपको दो नंबर में दे देना है। और उसके बाद वेरीफाई द OTP सेंट ऑन द रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपका वोटर कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP आपको वेरीफाई करना होता है। और वो OTP सिंपली आप लोग ढाल दीजिए। और ढालने के बाद क्या होता है देखिए गाइस, डालने के बाद सिंपली फोर नंबर स्टेप पर आप लोग क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन डाउनलोड EPIC। तो फोर नंबर स्टेप पर OTP डाल देने के बाद फोर नंबर स्टेप पर आप लोग को क्लिक ऑन डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, और वहां से आप लोग इजीली अपना डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हाउ टू डाउनलोड EPIC। तो इस तरीके से आप लोग डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं किया है, तो हाउ टू कंप्लीट योर KYC, तो आप लोग कैसे अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो, तो इसका स्टेप फोर EKYC यहाँ में दे के रखा है, तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो। स्टेप वन पर आपको क्या करना होगा, रजिस्टर NBSP पर जाकर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद क्लिक ऑन डाउनलोड EPIC। तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद डाउनलोड EPIC पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद इंटर EPIC नंबर एंड क्लिक ऑन द KYC लिंक। तो उसके बाद देखिएगा इंटर EPIC नंबर, आपको EPIC नंबर देना है, उसके बाद क्लिक ऑन KYC लिंक टू कंप्लीट द KYC। तो उसके बाद क्लिक करना है KYC लिंक पर, और KYC लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपना KYC कर सकते हो। उसके बाद पास द फेस लिबनेस वेरिफिकेशन, तो ये टू नंबर स्टेप पर ये है। उसके बाद थ्री नंबर स्टेप पर है अपडेट योर मोबाइल नंबर टू कंप्लीट KYC। तो यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, और उसके बाद इजीली आप लोग अपना हिसाब से जो भी है अपना वोटर कार्ड, वो वोटर कार्ड आधार कार्ड का जैसा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो किसी भी जगह से। तो यही था गाइस सबसे लेटेस्ट अपडेट। तो आप लोग यहाँ में आके इजीली अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए गाइस कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं दूसरा वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। अभी आप लोग ये में देख सकते हो, एक बार आप लोग खुद ही देख लीजिए, और मैं दूसरा वीडियो एक फिर से बना दूंगा, उसके बाद आप लोग सिंपली वो देख के अपना वोटर कार्ड जो भी है डिजिटल वोटर कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए गाइस इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ में जाके डायरेक्टली या मैं रिडायरेक्ट होकर आ सकते हो। तो गाइस मेरा आज का वीडियो यही था, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि गाइस जो भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप ही को मिलेगा। चलो गाइस जय हिंद जय भारत।